वेलकम टू माई न्यू शौकीन व्यूअर्स गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में, जो अपने डिस्यूज के लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा करती है। और वो कहती है किसी का वीडियो देखो या ना देखो, हमारा वीडियो जरूर देखो, तो क्यों ना उनका वीडियो देख लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। यार, इसने मक्खी का भी ड्रेस बना लिया, मक्खी का बड़ा बड़ा छाप बना के अपने कोट पे लगा लिया और इसका ड्रेस बना लिया। ऐसे इंसान है ये, किसी भी चीजों कैसे इस्तेमाल करना है इसको बहुत ही अच्छा तरीका से पता है। आपका सोच पुगे या ना पुगे, इसकी सोच बहुत ही ऊपर तक पहुंच सकती है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। में मुझे उर्फी को देख के जितनी हंसी नहीं आ रही, इसकी ये फ्रेंड को देख के हंसी आ रही है। क्या तेरे हाथ में है क्या? और इसके डांस तो देखो, देखते देखते ही हंसी निकल जाएगी। और उर्फी का ड्रेस देखो, स्प्रिंग जैसा लचक रहा है। अब आप ही लोगों मुझे बताओ कि ये स्प्रिंग वाले ड्रेस से ये खाएगी कैसे, ये चाय तक कैसे पिएगी? अच्छा। आप लोगों से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, अगर रस्सी का हम लोग यूज करते हैं तो किस किस काम में यूज कर सकते हैं? कुछ बांधते हैं या टूचन में यूज करते हैं या टांगने में? इससे ज्यादा हम लोगों का सोच कहाँ तक पहुँच सकता है? लेकिन ये हम लोगों का सोच से अलग, इसने रस्सी का भी ड्रेस बना लिया है। ये देखिए, रस्सी का ड्रेस बना लिया है, लेकिन इसके सीने पर से इसका हाथ चला गया तो पूरी इज्जत ही चली जाएगी। बात तो सही है। अरे तुम ही लोग बताओ, इसे ड्रेस कहोगे या नौटंकी? अरे ये उर्फी है क्या? हाँ उर्फी ही है। अरे ये रोड पे कूड़ा क्यों बीनने लगे? इंस्टाग्राम पे भक्चोदी ज्यादा होने के कारण से इंस्टाग्राम आईडी कहीं डिलीट तो नहीं हो गई? समझ आया, इस कूड़े को भी इसने ड्रेस बनाया होगा, यकीन नहीं हो रहा। तो ये देखो, मेरी बात सच निकल गई, इसने कूड़ा का भी ड्रेस बना लिया। और ये ड्रेस तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पहन के कोई बाहर नहीं जा सकता। और इसकी कोई भी ड्रेस बनाई हुई कोई अलग इंसान नहीं यूज कर सकता, इसके अलावा कोई भी नहीं पहन सकता इसका ड्रेस। बात तो सही है। और देखो तो सही, कैमरा मैन जूम कर करके बता रहा है कैसा दिख रहा है। कितना भी भाई तू जूम कर ले, लेकिन इसका ड्रेस कोई भी यूज नहीं करेगा। बात तो सही है। मुझे इग्नोर करके तो देखो, मैं तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम्हारी शक्ल तक भूल जाऊंगा। सच में यार, तुझे तो कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी ऐसी ड्रेसेज होती है कहीं किसी को देखने के ही नहीं मिलेगी। तुम ही सिर्फ बनाती हो ऐसी ड्रेसेज, कोई और ही बनाता ही नहीं, तो तुम्हें कैसे इग्नोर कर दिया जा सकता है? देखना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।